हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आभा आप सभी का लेमन हिंदी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, एड्स एक लाइलाज बीमारी है। इलाज खोजने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हैं, पर अभी तक कोई ऐसी दवा या वैक्सीन नहीं बनी है जिससे एड्स पूर्णतः ठीक कर दिया जाए या एड्स होने ही ना दिया जाए। इससे दुनिया भर में एक वर्ष में करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर HIV वायरस का कोई असर ही नहीं होता, प्रकृति के ऐसे कुछ छुपे रहस्य का पता कुछ वर्षों पहले चला था, तो चलिए आपको इस वीडियो में थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एड्स जानलेवा क्यों है। दरअसल HIV वायरस खून में पाए जाने वाली CD4+ T सेल सफेद रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले CCR5 प्रोटीन पर कब्जा करके कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। सफेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देती है। जब HIV वायरस इन्हें कम करने लगता है, जिससे व्यक्ति कई तरह के अन्य रोगों की चपेट में आ जाता है और शरीर कमजोर हो चलता है, और इसी के चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है। परंतु वैज्ञानिकों ने 2005 में इस तथ्य का पता लगाया कि कुछ लोगों के खून में CCR5 Delta 32 नामक अद्भुत जीन म्यूटेशन पाया जाता है। ऐसे लोग दुनिया की कुल आबादी के 1% से भी कम है। CCR5 Delta 32 जीन म्यूटेशन जिसके शरीर में होता है, उसमें CCR5 प्रोटीन सफेद कोशिकाओं की सतह पर पाया ही नहीं जाता। इस वजह से HIV वायरस कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता है और बेअसर हो जाता है। वहीं 2008 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि केन्या की कुछ महिला सेक्स वर्कर्स को एड्स नहीं हुआ, जबकि वो 3 साल से ऐसे लोगों के संपर्क में थी जिनके शरीर में HIV वायरस थे। हाँ, एक बात और बता दें, ऐसे ही एक भाग्यशाली एड्स प्रतिरोधी व्यक्ति की मदद से जर्मनी के बर्लिन शहर में रहने वाले टिमथो रे ब्राउन का एड्स रोग ठीक हुआ। जी हाँ, दुनिया में आज एक टिमथो रे ब्राउन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एड्स रोग ठीक हुआ है। उनके ऊपर भी हम जल्दी एक खास वीडियो लेकर जरूर पेश होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में।